दूसरी एजेंसियों ने दोबारा पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी की। ये छापेमारी दूसरे राउंड की बताई जा रही है। एनआईए ने इससे पहले केरल से पीएफआई मेंबर शफीक पैट को गिरफ्तार किया था, जिसने पूछताछ में खुलासा किया कि इस साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पटना रैली पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के टारगेट पर थी। सुप्रीम कोर्ट आज से अपनी संविधान पीठ की कार्यवाही को लाइव स्ट्रीम करने जा रहा है। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक प्रधान न्यायाधीश यूयू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पास जल्द ही लाइव स्ट्रीम करने के लिए अपना प्लेटफॉर्म होगा। राजस्थान संकट को लेकर जयपुर से लौटे पर्यवेक्षक कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को आज अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। वहीं कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव के नामांकन की आखिरी तारीख यानी 30 सितंबर तक यथास्थिति रहेगी, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। मुंबई क्राइम ब्रांच की एसी ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की गैंग के सदस्य और करीबी माने जाने वाले रियाज भाटी को गिरफ्तार किया है। रियाज भाटी और छोटा शकील का रिश्तेदार सलीम फ्रूट ने अंधेरी के एक व्यापारी को जान से मारने की धमकी देकर महंगी गाड़ी और पैसे वसूले थे। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 3 मैचों की टी20 सीरीज शुरू होने से पहले टीम इंडिया में 3 बदलाव हुए हैं। हार्दिक पांड्या को आराम दिया गया है। दीपक हुडा पीठ की चोट के चलते बाहर हुए हैं और मोहम्मद शमी अब तक कोविड-19 से रिकवर नहीं हो सके हैं। ऐसे में भारतीय टीम में इन 3 खिलाड़ियों की जगह शहबाज अहमद, श्रेयस अय्यर और उमेश यादव की एंट्री हुई है।